फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं मटर की चाट। तो उसके लिए मैंने मटर को नमक डाल के उबाल लिया है। फिर उसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर है ना, ये डाल दिया है। धनिया इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डलता है और ताकि थोड़े से खुशक से हो जाएं और उनका टेस्ट भी अच्छा आए। उसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं थोड़ा सा काला नमक। उसके बाद इसमें जाने वाला है पीली मिर्च का पाउडर। ठीक है, आप जितना तीखा खाते हैं आप उस हिसाब से डालें, मैंने अपने हिसाब से डाला है। उसके बाद इसमें हम हरी मिर्चों की थोड़ी सी चटनी डालेंगे जिसमें खटाई मिली हुई है, और इसको थोड़ा चढ़ा देंगे। अब बात आती है वेजीज की। इसमें डालने वाले हम टमाटर, हरी मिर्चें, हरा धनिया और प्याज। अब इसको डाल के हम अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। यकीन मानिए, बिल्कुल बाहर के जैसे ये कुलचे छोले तैयार होते हैं बनके, तो आप ज़रूर इसको बनाएं। अब इसमें हम थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे और साथ में थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। ये देखिए, गरम मसाला मैंने इसमें डाल दिया है। गरम मसाले की खुशबू इसमें बहुत अच्छी आती है, आपको ज़रूर डालना, स्किप नहीं करना गरम मसाला पाउडर। और फिर इसको अच्छे से हम चला देंगे, अच्छे से चलाना है ताकि सारे मसाले मिक्स हो जाएं। और अब लास्ट में नींबू का रस डाल देंगे, जितना आपको खट्टा रखना है उसके हिसाब से रख देंगे। ये देखें इस तरह से बस, और आपके छोले बनके तैयार है, मटर की चाट। आप कुलचे के साथ खाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी चाट कैसी बनी। और प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यूं ही मेरे वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।